डियर स्टूडेंट्स, आज आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हु आई एम का। इससे पहले पार्ट वन में आपने पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चों के व्यू होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो अपने उस व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो किस तरह से वर्क करते हैं और उन्हें उस वर्क करने में कितना आनंद आता है। बट दोज चिल्ड्रन हु हैव स्किल्ड दे बिकम परफेक्ट इन देयर फील्ड। लेकिन वो बच्चे जिनके पास स्किल्ड होता है वो अपनी फील्ड में किस तरह से परफेक्ट होते हैं, अपने वर्क को स्टेब्लिश करने में, अपने आप को स्थापित करने में उस जगह पर, तो इसी बात को हम आगे सेकेंड पार्ट में समझेंगे। तो आइए रीड करते हैं। इंटेलिजेंस, ईच ऑफ वन इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग, बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। देखिए, हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ स्किल्ड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, वो इंटेलिजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेस होते हैं उनके। और जब वो स्किल्ड उनका इतना परफेक्ट होता है तो वो अपने बिजनेस को या अपने जॉब को कितने बखूबी से निभाते हैं और अपने आप को वहाँ पर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा देते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंट मीन्स कि वो लोग होते हैं जिनको सोचना, इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है, जो अपने माइंड में इमेजिनेशन करके किसी पिक्चर के का क्रिएशन करते हैं, किसी को स्केचिंग बनाते हैं, तो वही होता है। देखिए, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर, क्रिएट मेंटल इमेज टू रिमेंबर थिंग्स, यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट, पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़। जो बच्चे या जो लोग अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको सोच समझ कर क्रिएशन कर सकते हैं, किसी पिक्चर का निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसे लोग क्या काम करते हैं, देखिए वो अच्छे से कर सकते हैं उन कामों को, जैसे पजल बिल्डिंग, रीडिंग राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट एंड ग्राफ्स, सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स। ये सारे वर्क वो लोग बखूबी अच्छे से कर सकते हैं जो लोगों को अपने माइंड में इमेजिनेशन के द्वारा वो एक पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में और फिर उस पर वर्क करते हैं। यू कैन बिकम वो इस तरह के लोग देखिए क्या बन सकते हैं, नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर। ऐसे लोग जो होते हैं वो देखिए एक खोजकर्ता बन सकते हैं, आर्किटेक्ट वो होते हैं जो मकानों की स्केचिंग करते हैं, उनकी ग्राफिंग करते हैं कि मकान को किस तरह से बनाया जाए, इंटीरियर डिज़ाइनर वो जो घर की साज सजावट करते हैं, मैकेनिक, इंजीनियर आदि ऐसे लोग बन सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस वो होते हैं जो बहुत अच्छे से उनको बोलने की क्षमता होती है, वो दूसरों की अपनी बातों को बोलकर समझा सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो यूजेस वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स। वो ऐसे लोग जो लैंग्वेजेस को यानी ग्रामर को समझते हैं और बोलने में उनकी जो क्षमता, पावर, स्किल होती है बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग क्या करना अच्छा लगता है उनको, देखो स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कन्वेंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यूज। ऐसे तरह के जो लोग होते हैं जो ग्रामर की मतलब ग्रामर भाषा को अच्छे समझते हैं, बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से बोल सकते हैं वो, तो ऐसे लोग भाषण बहुत अच्छा सा दे सकते हैं, राइटिंग का वर्क कर सकते हैं कि मतलब वो सोच लें, समझ लें, बोल लें और फिर उस पर कुछ अच्छा सा लिख लें। ऐसे टीचिंग करना बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो। तो यू कैन बिकम जो इस तरह के लोग होते हैं वो देखो क्या बन सकते हैं, पोएट का भी बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं और ट्रांसलेटर होते हैं। जिन जो वक्ता होते हैं जिनमें बोलने की क्षमता अच्छी होती है वो इस तरह का वर्क कर सकते हैं, उस फील्ड में वो काम कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मीन जिनको मैथ सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट। जो मैथ्स में जिनको ज़्यादा रुचि होती है तो वो लोग इस तरह का वर्क करना उनको अच्छा लगता है। यू आर गुड एट, देखिए जो किस तरह का वर्क वो कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें क्या होता है देखो मैथमेटिक्स में जैसे प्लस माइनस डिविजिबल होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो उनको सॉल्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं वो,
पजल बहुत अच्छे से, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चंस एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, जो ज्योमेट्रिक शेप्स होती है वही बहुत अच्छे से वो स्केच कर लेते हैं, बना लेते हैं। यू कैन बिकम अ, और वो क्या हो सकते हैं इस फील्ड में, देखिए साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं और मैथमेटिशियन हो सकते हैं। बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मैनी अदर्स टू। देखिए कुछ इंटेलिजेंस इस तरह से होते हुए भी कुछ उनमें अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू। रिमेंबर दैट देयर विल प्रॉबली बाई मोर देयर वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू। बॉडलिंग इंटेलिजेंस, बॉडलिंग इंटेलिजेंस कौन होते हैं, देखिए यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी, जो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके, अपने ऊपर अपने बॉडी पर नियंत्रण करने वाले लोग होते हैं। मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैचेस और हिट अ बॉल वेल एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग। ऐसे लोग जो अपनी बॉडी पर बैलेंस बना लेते हैं, उनका कमांड होता है, तो ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, एक तरीके गुड डांसर हो सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी पर हमारा कमांड होता है तो हम अच्छे से डांस कर सकते हैं, बॉल को पकड़ सकते हैं। एंड यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग, और हम अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर गुड एट, तो आप गुड हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। देखिए ऐसे वर्क में डांसिंग का वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिजिकल कोऑर्डिनेशंस, स्पोर्ट्स क्राफ्ट्स, एक्टिंग, मिमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बोल्ड, यू एक्सप्रेस इमोशन थ्रू योर बॉडी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी की मिमिंग जो होती है, मिमिंग किसी की मतलब किसी की नकल उतारना, वो भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हम अपना स्किल दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर कमांड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसा चाहें उस तरह से हम अपनी बॉडी को मूवमेंट कर लेते हैं। यू कैन बिकेम, आप क्या बन सकते हैं, देखिए एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में भी आप अपना नाम कर सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर हो सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन हो सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, यू लाइक टू, जो इस तरह के लोग होते हैं म्यूजिक में जिनको रुचि होती है, तो वो क्या करते हैं, प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, वो म्यूजिक में एंजॉय करते हैं, म्यूजिक से उसको जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाते हैं। यू थिंक अबाउट साउंड्स रिदम एंड पैटर्न्स, जो साउंड्स का रिदम होते हैं, उसकी जो लय होती है, उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं। यू इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू म्यूजिक आइदर appreciating और criticizing what you hear, जो कुछ भी आप म्यूजिक में सुनते हो उसका आप तुरंत रिएक्शन देते हो। You are good at, आप देखिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसमें, सिंगिंग, आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं। यदि आपका गला अच्छा है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। विशलिंग, आप प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूजिक, रिमेंबरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, आप उस म्यूजिक में जो भी ये सारे वर्क होते हैं आप बहुत उन्हें अच्छे से कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, आप उनको अच्छे से बजा सकते हैं, उसकी जो ट्यून्स होती है उसको आप समझ सकते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक को कंपोज कर सकते हैं, मेलोडीज जो अच्छी अच्छी धुन होती है उनको आप याद कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और जो रिदम होती है उसकी जो धुन होती है उसमें भी आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और वाद्य यंत्र पर निकाल भी सकते हैं। यू कैन बिकम, और आप क्या बन सकते हैं, देखिए म्यूजिशियन बन सकते हैं, यदि आपको म्यूजिक में रुचि है, यदि आपको संगीत में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप एक म्यूजिशियन बन सकते हैं, डिस्क जॉकी, सिंगर हो सकते हैं, कंपोजर भी बन सकते हैं आप।
इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यूज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। इस तरह के लोगों की बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, आप कोशिश भी करते हैं कि लोगों के क्या व्यू ऑफ पॉइंट हैं, उनको बहुत तो अच्छे से आपको समझ में आती है, और अपनी बातों को भी दूसरों को अच्छे से समझा देते हैं आप। यू आर ए गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपुल टू कॉपरेट एंड वर्क एज ए टीम। आप एक टीम वर्क को भी लेकर अच्छा वर्क कर सकती हैं, क्योंकि जब आपको दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होती है, तो आप टीम वर्क को भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। यू आर गुड एट, देखिए आप क्या करते हैं, कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं उस पर। देखिए, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, नोटिसिंग पीपल्स मूड्स, कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट। आपके अंदर जो ये भावना, ये फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की जो अच्छी कला है, आप उसके द्वारा दूसरों के विचारों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आप उनकी बातों को, आप उन्हें अपनी बात को समझा सकते हैं, उनके मूड्स को पहचान सकते हैं, उनकी भावनाओं को जान सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ, आप काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर यानी जो किसी की बातों को समझा कर उनकी फील्ड तक पहुँचाना। सेल पर्सन वो होते हैं जो हम अपने कोई सामान होता है जो बेचने वाले होते हैं, सेलर होते हैं, तो जब हम दूसरों की बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी की बात को भी उन तक रख सकते हैं अच्छे से। पॉलिटिशियन हो सकते हैं आप, एक राजनीतिक बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंड टीचर और एक अध्यापक भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इस चैप्टर को समझा, हु आई एम, आपने इसमें दोनों पार्ट में समझा कि कुछ लोगों के, अधिकतर लोगों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना भी बहुत अच्छा लगता है और वो आनंद उठाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्किल्ड होता है, यानी उनके अंदर वो गुण होते हैं, वो कौशल होते हैं, जिसके बेस पर, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपनी बिजनेस फील्ड में या जॉब फील्ड में या फिर अपने ही किसी पर्सनली आर्टिस्ट बन जाता है, या डॉक्टर हो जाता है, या टीचर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्ड, वो कौशल उनके अंदर छुपा होता है। तो ये आपका चैप्टर 4 यहीं पर फिनिश हुआ। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर 4, हु आई एम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।